बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्रिक के बारे में। जब हम ब्रिक ख़रीदते हैं, जैसा कि ये वाला जो ईंट है हम ख़रीदते हैं, ईंट जो ख़रीदते हैं, तो हमें ख़रीदने से पहले इसकी चेकिंग किस तरह से करना चाहिए, ये ईंट कैसा रहना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, इसके क्या 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 इसके पॉइंट्स हैं बिफोर हमें ख़रीदने से पहले चाहिए, तो बताता हूँ। इस वीडियो पे बने रहिए, इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप, मैं जूम करता हूँ, सामने देखता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईंट को देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ईंट है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिक्स है यहाँ पे, ये ब्रिक्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स, जैसा कि यहाँ पे आप ब्रिक देख सकते हैं, ये फ्री फ्रॉम क्रैक्स, होना चाहिए, इसके ऊपर क्रैक्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा। एंड सेकंड पॉइंट जो है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जिसके इसके जो एजेस होते हैं, ये एजेस पूरे बराबर रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके एजेस वगैरह बराबर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके एजेस वगैरह बराबर नहीं है, एजेस पूरे बराबर होना चाहिए। और जैसा कि ये स्लोप में नहीं रहना चाहिए, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और तीसरा जैसा कि पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम दो ब्रिक्स को लेते हैं, ओके, दो ब्रिक्स जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करें। जैसा कि दो ब्रिक हैं यहाँ पे मैं लिया हूँ, इसको हम ऐसा इस तरह से प्रेस करते हैं, मींस इसको मार दें तो हार्ट रिंगिंग साउंड की आवाज़ आना चाहिए, एक साउंड की आवाज़ आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे आवाज़ आना चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं साउंड। और दो मैं यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा नीचे वाला जो ईंट है वो बताता हूँ, ये थोड़ा सा भीग गया है। बनी रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे हैं, ओके, किस तरह से हमें साउंड टेस्ट चेक करना चाहिए, जो हार्ट रिंगिंग साउंड आता है वो किस तरह से चेक करना है बताता हूँ इस वीडियो पे। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करें। जैसा कि यहाँ पे दो ब्रिक्स लिया हूँ मैं हाथ में, उसको जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से साउंड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया, क्रैक्स हो गया, तो मीन्स ये जो ब्रिक्स है सेकेंड क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, ओके। तो इस तरह से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और जैसा जब भी आप ब्रिक लेते हैं फ्रेंड्स एंड एवरीवन, ये जो है जी, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीटिंग होना चाहिए, बिना हीटिंग का आप नहीं लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हीट हुआ है, जैसे कलर देख सकते हैं, और इसका शेप सही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेप सही नहीं है, इसका शेप सही रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो शेप है, इसका शेप सही नहीं है, यहाँ से ये शेप वगैरह जो एडजस्ट होते हैं हमेशा सेम रहना चाहिए। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको इसमें टेस्टिंग में, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि यहाँ से दो ईंट ले रहा हूँ, ओके, यहाँ पे जैसा कि ईंट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी इस तरह से भी बताता हूँ मैं आपको किस तरह से यहाँ पे इसका साउंड आएगा, इस तरह से साउंड की आवाज़ आना चाहिए, देख सकते हैं आप, इस तरह से अगर साउंड की आवाज़ आएगा तो ये हार्ट रिंगिंग ईंट रहेगा, मतलब ये ब्रिक अच्छा रहेगा, देख सकते हैं। और इस तरह से भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप परचेस करने के लिए शॉप पे जाएंगे तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर चेक करने से पहले आप ईंट मत खरीदिए, देख सकते हैं इस तरह से साउंड आना चाहिए, एक बार दो बार, इसके बाद यहाँ पे ब्रिक हो रहा है, मतलब ये पानी से थोड़ा नरम हो चुका है। और एक एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि ये ब्रिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला ब्रिक है, इसको हम, ये वाला जो ब्रिक है इसको हम 1 मीटर की हाइट के ऊपर से छोड़ेंगे तो ये ब्रिक टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट जाएगा तो ये जो ब्रिक रहेगा फेल रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर के ऊपर से इसको नीचे छोड़ता हूँ, फॉल करता हूँ, नहीं टूट रहा है। इसी तरह से मैं इसको रोड पे भी आपको करके बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे हाथ में ब्रिक है यहाँ पे, ओके, और नीचे रोड भी देख सकते हैं, सीसी रोड है, तो मैं इसको 1 मीटर से छोड़ूंगा, 1 मीटर के ऊपर से हाइट से नीचे छोड़ूंगा। अगर ये टूट जाएगा तो समझ जाएंगे आप, ये ब्रिक जो है वेस्ट है, मतलब पूरा वेस्ट नहीं है, सेकंड क्लास है। तो मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नहीं टूट रहा है, ओके।
मतलब ये ब्रिक जो है अच्छा है। ओके, और एक बार मैं यहाँ पे 1 मीटर से छोड़ रहा हूँ, देख सकते हैं आप, इस वीडियो बनी रहिए। और सीसी रोड के ऊपर छोड़ रहा हूँ, देख सकते हैं 2 बार हो गया, ओके, नहीं टूटा है। तीसरी बार बताता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। नहीं टूट रहा है। अब मैं इसको ज़्यादा हाइट से छोड़ता हूँ, 1.5 मीटर, मतलब 4 फीट के करीब यहाँ पे मैं उसको छोड़ता हूँ, देखते हैं टूटता है नहीं टूटता है। नहीं टूट रहा है, ओके। और मैं इसको थोड़ा हाइट से 2 मीटर से छोड़ता हूँ मैं इसको, देख सकते हैं आप, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। अब टूट रहा है, इसका मतलब इसको हम 2 मीटर 6 फीट के ऊपर से इसको हम छोड़ देंगे तो ये टूटेगा। 6 बार पे ये ईंट जो है, ब्रिक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 फीट की जो हाइट के ऊपर ये ब्रिक्स क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रिक हुआ है। कि इसका मतलब जो ब्रिक है ये अच्छा है। बने रहिए इस वीडियो जानकारी हासिल करने के लिए। कि मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ किस तरह से, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से बिफोर परचेसिंग ऑफ द ब्रिक, मींस जैसा कि ये वाला जो हम बोलते हैं ईंट खरीदने से पहले किस तरह से हमें टेस्टिंग करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ इस वीडियो पे, बने रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल। जैसा कि लिए और एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप ईंट के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है S4, ओके। अब और एक ईंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको S1, यहाँ पे मिलेगा S1, इसको बोलते हैं लेबर टेम्स। जहाँ पे जब ईंट जब कंस्ट्रक्ट होता है, जब ईंट जब बनता है, वहाँ पे लेबर जो के नेम, जैसा कि नेम्स देते हैं, और हम इसको नेम्स को नहीं देखेंगे, और इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी मिलेगा आपको, इसमें टेढ़ा बिंगा, जैसा कि यहाँ पे रेक्टेंगल में मिला है, जैसा कि यहाँ पे रेक्टेंगल में डिज़ाइनिंग मिला है, उसमें आपको ट्रैपीज़ोइडल में मिलेगा, या फिर अलग अलग भी आपको जो डिज़ाइन है सेंटर का मिलेगा, हमें उसे नहीं देखेंगे तो भी इट्स ओके चलेगा। जब भी हम परचेसिंग करते हैं, हमें मेन पॉइंट्स क्या है, जो नेम को देखना नहीं है, चाहे वो S1 हो, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D2 हो, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो। जैसा कि इसको ज़ूम कीजिए यहाँ पे, इसको ज़ूम कीजिए यहाँ पे, हुआ ज़ूम, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे जो भी वो ब्रांड हो इसके पर नेम, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके एजेस जो है, एजेस सही रहना चाहिए। जैसा कि इसका एज जो है पूरे एजेस सही रहना चाहिए, और ब्रिंक जब इसको टेस्टिंग करते हैं तो हार्ड रिंगिंग साउंड आना चाहिए, इस तरह से हार्ड रिंगिंग साउंड आना चाहिए। और एक एक चीज़ में कलर्स भी होता है, जैसा कि यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हैं, ये इस तरह कलर का नहीं होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं ब्लैक जो कलर होता है, जैसा कि मिट्टी का जो कलर होता है ब्लैक, जैसा कि ये बहुत जल्दी क्या होता है दोस्तों, डस्ट वाला रहता है, जैसा कि बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी है, ये ईंट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो आप ईंट का कलर देखेंगे तो बेटर जो रहेगा, मैं आपको कलर भी बताता हूँ एक, किस तरह से ईंट का कलर रहना चाहिए, इस तरह से रहेगा तो बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर टू, इस तरह से रहेगा तो बेटर रहेगा। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन बॉक्स आप देख सकते हैं यूट्यूब में। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, और न्यू वीडियो के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में प्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर एंड कंप्लीट वॉच दिस वीडियो फॉर दी न्यू अपडेटेड वीडियोज़। तो दोस्तों एज सून एज पॉसिबल हम दोस्तों न्यू वीडियो में मिलेंगे, स्टे इन वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जहाँ तक हो सकता है फ्रेशर जो सिविल इंजीनियर है उनको शेयर करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह माय सून एज पॉसिबल हम न्यू वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।